शहर में 17 माह पहले तृतीय पंथी चमचम कस्बे के निर्ममता के साथ हत्या की गई थी। इस घटना के 5 आरोपी अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। चमचम हत्या के आरोपी को जल्द से जल्द फांसी हो जाना चाहिए, इसलिए किन्नर विकास बहु दिशा सामाजिक संस्था की ओर से संविधान चौक पर आंदोलन किया गया है। संविधान चौक में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये तमाम तृतीय पंथी शहर के किन्नर विकास बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है। शहर में पिछले 17 महीने पहले तृतीय पंथी चमचम गजबीये की निर्ममता के साथ हत्या की। पुलिस ने हत्या से जुड़े ऐसे 5 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की कलम 302 व अन्य कलम लगाकर मामला दर्ज किया था। चमचम की हत्या होने से तृतीय पंथी के 2 गुटों में काफी टकराव भी होता है। चमचम के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, इस मांग को लेकर किन्नर विकास बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था की रानी ढवले इन्होंने जानकारी दी। नमस्कार, मैं किन्नर विकास बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मैं रानी ढवले और किन्नर विकास महामंडल महाराष्ट्र राज्य उसकी भी सदस्य हूँ। और आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं संविधान चौक पे कि जो आज से 17 महीने पहले जो चमचम गजबीये नामक किन्नर थी उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और उसका मर्डर करे, बेरहमी से उसको मारे, इसके लिए आज हम उसके न्याय के लिए, उसके हक के लिए आज संविधान चौक पे खड़े हैं। और जो चमचम थी, जो चमचम का मर्डर होने के बाद जो उसके आरोपी है अंदर 5 जन में से 1 जन की बेल एप्लीकेशन लगी है, जो 26 तारीख को उसकी सुनवाई होंगी। वो सुनवाई होने के बाद अब जज क्या फैसला देगा उसके लिए हमने चमचम को न्याय मिलना चाहिए और उसके हथियारों को फांसी मिलना चाहिए, इसीलिए आज हमने संविधान चौक के ऊपर ये आंदोलन कर। आए दिन राजनेता की पार्टी हो या हो फिर तृतीय पंथी का गुट, हर कोई अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है, भले ही उसके लिए किसी की हत्या करने से भी आरोपी बाज नहीं आते। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।